बाहर रहेंगे 5 आदमी हमारे। आप देख रहे हैं बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इनकी ये लड़ाई आखिर कब तक चलेगी। कल जिस तरह ये मुख्यमंत्री सचिवालय के पास जाना प्रदर्शन मानसिक शोषण करने का काम करता है। यहाँ पे दूर दूर से लड़की लोग पढ़ने के लिए आती है। यहाँ के शिक्षकों में मम्मी पापा उन लोगों को चाहे नहीं कि काम करने के लिए, और इस तरह का माहौल देखेगा तो बहुत के माँ बाप और नहीं काम करने के लिए करेंगे। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ये बातें राज्य सरकार की सरकार में महीनों से आ रही है, लेकिन सरकार का जो इस पर नहीं है। और इस तरह से बच्चों के लिए हॉस्टल एक चाहिए। आज तक बच्चों में कितने हॉस्टल बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार ऐसी कोई घटना बिहार में ना घटे। और हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जब तक नीतीश कुमार जी अपना जेल का भरने का शौक पूरा कर रहे हैं, यानी आप ये महाआंदोलन से आप वो अपना जेल खाली करा करके जनकार के नौजवानों को जेल भर का अपना शौक पूरा कर ले। कल जिस फर्जी तरीके से धोखे से हमारे साथियों को जैसे जेल भेजे हैं, नीतीश कुमार जी नौजवानों का क्रोध और नौजवानों का विश्वास आप पर पड़ेगा। अब सत्ताहीन जरूर होइएगा, एक दिन पछतावा मिलेगा कि बिहार के नौजवानों को आप धोखे से जैसे जेल भेजे हैं और गुंडे मवालियों के द्वारा जिस तरह से आप हॉस्टल चलवाते हैं। आपके ही ख्याल में क्यों इतने फर्जी हॉस्पिटल, फर्जी कोचिंग, फर्जी आपका हॉस्टल ऐसा फल फूल क्यों गया? ये जवाब आपको देना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन हॉस्टल नहीं चलेगा, पूरे बिहार में हॉस्टल लागू करना। ये आप जाकर के देख लेंगे, थानेदार से लेकर के एसपी, एसपी से लेकर के डीएसपी, हर एक आदमी दारू बिछवाने में मग्न है, मस्त है। जनता चाहे कुछ भी प्रश्न हो जाए,
इनको कोई पुलिस गिरफ्तारी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करती है, इधर से गिरफ्तारी करती है, उधर से पैसे लेती है। देखिए जिस तरह से फर्जी हम तैयार हैं हॉस्टलों में फर्जी तरीके से जो हमें धंधा चल रहा है और कोचिंग के नाम पर जबरन वसूली गलत वसूली और तो और इन संचालकों के द्वारा किस तरह से दारू अभियान न्यूज होता है। नीतीश कुमार जी आपने तो कहा था कि मैं मर जाऊंगा बिहार में दारू न टिकेगा न हमारा कोई रोक, लेकिन ये कैसे आपके नाक के आगे आज आपके खजांची रोड आपके नाक के आगे है। सारे हॉस्टल वरना ये सेशन बहुत आगे बढ़ेगी और कभी दारू कभी सेक्स लेके ज्ञापन देगा नहीं आपने पहले बात सुनो, आपने कहा कि आप पहचान दो जान को सुनिए, बैठो बैठो बैठो, आपको भीड़ से परहेज है, बंदी से परहेज है, भीड़ से परहेज बिल्कुल रहेगा, आपको छात्राओं पर तुम परहेज नहीं। आप ज्ञापन लेंगे वो नहीं लेंगे बता दें, आप लोगों ने परमिशन लिया था इसका, परमिशन लिया था काम करने का, आप ऐसे चले गए, वायरल हुआ वीडियो, वायरल हुआ जांच में वही लोग पूछ रहे हैं, एफ आई आर किया मैंने, एफ आई आर किया हमने, बंद करने गया वहाँ तो चलो, हमारा इस एक्ट के तहत जो जिस कानून के तहत बच्चल चल रहा है उस पर सरकार का ध्यान आके आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से आप गलत बोल रहे हैं, आपके थाने में आपको ज्ञापन दीजिएगा, आपके थाने में बंद होगा, आपके थाने में जिस तरह से अवैध तरीके से चल रहा है, आप क्या सक्षम है ओडीओ साहब क्या डीएम साहब क्या ज्ञापन दिलवाने में? बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनिए, सबसे पहले आपका प्रोग्राम था वो हमको बताया, हमारा प्रदर्शन प्रोग्राम था, आप प्रदर्शन अनुमति लिए विरोध, हम जो पूछ रहे हैं आप हमें 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 प्रदर्शन हम मांगे हैं, आपने नहीं दिया, आपसे इसलिए सब नहीं दिया, ठीक है तो आपका प्रदर्शन कहाँ तक था? वहाँ तक था, उसके बाद कारगिल था ना, आप कारगिल तो सामने है, 4 बजे अभी आपने बुलाया कि ज्ञापन हमको दे दीजिए, हमने ज्ञापन दिया, आप यदि बुला नहीं रहते तो हम लोग ठीक वही तो नहीं समझ, हमको ये लगा ज्ञापन का तरीका है कि जहाँ आपका प्रोग्राम समाप्त हो हमारे बाकी लोग, हमारे बाकी लोग बाहर रहेंगे, 5 आदमी हमारे नेता को मिलेंगे ज्ञापन अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें। बिहार की राजनीति और बिहारियत से आपका भी है सरोकार तो बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल की घंटी को दबा देने से सबसे सटीक और मारक खबरें आपको प्राप्त हो जाएंगी।
अगर आपको पत्रकारिता में हमारा ये प्रयोग अच्छा लगा तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पेटीएम नंबर नोट कर लीजिए 9386816700। धन्यवाद।